मॉर्निंग, आज है डे टू एंड मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, प्लस मैंने खाना भी खा लिया एंड इट वॉज अ इंग्लिश ब्रेकफास्ट. मुझे ऑनेस्टली खुद इतना पसंद नहीं है, बट हाँ उसमें से जो टोस्ट होता है और जूसेस होते हैं, सीरियल्स हो गए एंड मशरूम्स एंड बीन्स, दैट्स फाइन. स्क्रैम्बल्ड एग्स मैंने एग्स छोड़ दिए हैं, आई डोंट नो कब तक चलेगा वो, बट स्टिल हाँ मैंने छोड़ दिए हैं. एंड हम लोग आज जा रहे हैं केस्विक, वहां पर घूमेंगे. एंड कल हमसे गलती हो गई कि हमने कल डे पास नहीं लिया. तो यहाँ पे डे पास का बहुत फायदा होता है, इट्स ओनली फॉर 450, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. अभी बज रहे हैं 10:30. सो हमारा जो ये रूम है इट्स वेरी क्लोज, लाइक सामने बिल्कुल बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो वहां से विल टेक द बस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू बोनस पियर, वहां पर बोटिंग वगैरह होती है, देखेंगे प्राइसेस के अकॉर्डिंग कि कैसा है कैसा नहीं है. एंड फ्रॉम देयर विल गो टू कैस्विक. ओके लेट्स गो. दिस इज बोनस पियर और इतनी सारी वहां पे बोट्स खड़ी हैं एंड इट इज ब्यूटिफुल. दीज आर द प्राइसेस, सो द रेड क्रूज इज फॉर 1650, ब्लू 1270 एंड येलो इज फॉर 1730. एंड ये टाइम टेबल गिवन है यहाँ पे, और ये यहाँ से अंदर जा सकते हैं जहाँ पर जाकर तुम्हें बोट में बिठाया जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द बोट, एंड वहाँ पे लोग क्यू में खड़े हैं जहाँ से तुम बोट में जा सकते हो. एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे तुम जा सकते हो. विंटरमेयर से यू कैन गो टू एम्बल साइड, यू कैन गो टू आगे विंटरमेयर की लेक पे जा सकते हो. विंटरमेयर की लेक ये भी है, लेकिन विंटरमेयर की लेक के आसपास बहुत सारी अट्रैक्शन हैं, तो यू कैन गो. और ये क्यूट क्यूट से बेबीज पपीज, यहाँ पे इतने कुत्ते हैं, कल भी ट्रैक पे इतने कुत्ते थे कि पूछो मत. एंड दीज आर ऑफ लक्कड़, कितनी सुंदर है, लाइक मजा आ जाए बंदे को यहाँ आके. ये बोट अभी घूम कर आई है एंड इस पे भी लोग फिर से चढ़ेंगे. हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कैस्विक जाएंगे. एंड हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में फोटो खिंचवाने आए थे. ये इनका जो क्या कहते हैं इसको, वॉट एवर इट इज, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पियर में भी जिसके ऊपर तुम जाकर फिर बोट में चढ़ते हो. बट ये सारे पियर्स जो है ना बुक कर रखे हैं फॉर द बोट्स, तो मेरा मन था वहाँ पे जाके खड़े होकर फोटो खिंचाने का, बट ये सब बंद है, यहाँ पे तुम नहीं खिंचवा सकते. बट दीज आर सो ब्यूटिफुल, ये वेव्स और पानी इतना क्लियर है. मतलब नेकेड आईज इतने सुंदर लगते हैं ये.
सी जैसे ये वॉल है, इनके बीच में कुछ नहीं है और इसमें से एक पत्थर नहीं हिलता, सब ऐसे पड़े हुए हैं। सी दिस कोको इज डूइंग कैट वॉक, शर्मा गई अब वो। हम लोग अभी ग्रासमियर के स्टेशन पर हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस टू कैस्विक। एंड अभी 45 मिनट्स के बाद बस है, जिसमें से हम लोग 30 मिनट्स कर चुके हैं, सो 15 मिनट्स आर लेफ्ट। एंड हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, सीइंग दिस ब्यूटी। हम लोगों के पास कल टाइम था यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने का, बट हम इस साइड नहीं आए थे। और ये इतना सुंदर है, एंड ये गार्डन है, बहुत सुंदर है ये गार्डन, एक्सेसिवली। और उधर वो चेरी ब्लॉसम्स। तो अभी बस हम यहाँ से फिर कैस्विक जाएंगे। अभी पता नहीं कितना, अभी 1 बजने वाला है ऑलरेडी, एंड आधा घंटा में यहाँ से कैस्विक पहुँचने में भी लगेगा। एंड 6 बजे की हमारी वापसी की ट्रेन है फ्रॉम विंडरमियर टू लीड्स, एंड विंडरमियर पहुंचने में हमें कैसविक से भी 1 घंटा लगेगा। सो लेट्स सी, पता नहीं कितना घूम पाएंगे, बट या सी दीज आर डेफोडिल्स। ये येलो वाले भी हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वाइट वाले भी हैं। ये इस जगह से मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल जाए और मैं यहाँ पे आके ही रह लूंगी। इतनी ज्यादा सुंदर जगह है, यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं है मेरा। कॉफी लेने अपनी, मेरा पिज्जा इतना ज्यादा खा चुकी हूँ दैट आई डोंट वांट टू ईट पिज्जा। मैं अभी एक शॉप में आए थे एंड दिस इज अमेजिंग, कितनी बड़ी पजल है ये। और मैंने यहाँ से मैग्रेट और एक बैज भी लिया, मैं दिखाती हूँ। वन ऑफ देम इज लाइक दिस वन, दिस इज द शॉप। बहुत सारे सुवेनियर्स एंड ऑल पड़े हैं। आई हैव टेकन वन ऑफ दिस एंड वन ऑफ दिस। सो मैंने जैसे कि बताया, मैंने दो चीजें ली, वन इज दिस वन, दिस इज अ मैग्नेट प्लस दिस इज फ्लेक्सिबल, एंड वन इज दिस बैच। क्यूट, टू वेट फॉर देम, द लेक डिस्ट्रिक्ट जस्ट राइट फॉर अस। सो डक्स ये कल मैंने वहाँ पे देखी थी, ग्रासमियर की जो लेक थी जहाँ पे हम लोगों ने हाइकिंग की थी वहाँ पर देखी थी डक्स, एंड दे वर एक्चुअली ब्लेस्ड। एंड ये गार्डन है, पूरा गार्डन है। नहीं नहीं ये तो ऐवे ही कुछ भी चल रहा है, मेंटेन्ड बाय कैसिक इन ब्लूम। दीज आर द वी आई पी पॉड्स, कितने सुंदर हैं। इनके बीच में बैठ कर खाओ पियो, इतना सुंदर व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं लेक साइड। स्कॉटलैंड की कमी भी यहीं पे ही पूरी हो गई है मेरी तो। अति सुंदर,
मैं तो ये सोच रही हूँ मेरी मम्मी यहाँ पे होते ना इतने ज्यादा खुश होते, उनको चीजें बहुत पसंद है। मम्मी देख रहे होंगे वैसे ये वीडियो, बट मम्मी अब यहाँ पे आओगे ना तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये लेकर आऊंगी दोबारा। लेक मिल गई, ले लेक मिल गई। आइसक्रीम एनीवन? ओह माय गॉड, कितनी सारी सीगल हैं ये, कितनी सारी डॉक्स हैं ये। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। सो मैनी डॉकी डॉक्स, डॉकी डॉक्स। आई जस्ट स्पॉटेड अ स्वैन हियर, मैंने पहली बार देखी, सो नाइस। कितनी सुंदर है, मैंने बचपन में बनाई है ये टू बना के ना स्वैन। वाओ 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 वाओ, शो मी योर कंप्लीट फेस। यस गुड गर्ल, वाओ। यू माइट बी हियरिंग देयर वॉइस, शी इज डांसिंग। सो मेरी सच में तमन्ना पूरी हो गई है, एंड आई फाउंड अ पियर जहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड वी कैन गो एंड लिक अ फोटोग्राफ। डॉगी डॉग्स, वो कितनी बड़ी बड़ी है ये। वो स्वैन फिर से आ गई। अच्छा वही पे थी है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कि अगर किसी को लेक क्रूज करनी है तो ये इन्होंने क्या बना रखा है। अच्छा हाय ट्यूलिप्स, कितने बड़े बड़े हैं, इतनी तरह के हैं ना यहाँ पे। दिस इज ऑरेंज, अभी आगे येलो एंड रेड, टिप टिप बरसा पानी हो रहा है, बारिश हो रही है। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे। ओह वाह यार, मुझे भी करनी है ऊपर से पंछी। वाह सब कुछ है यार यहाँ पे, लैंड हो रहा है वो। हो गया। हियर वी हैव दिस रेड एंड येलो, द पिंक वन, द ऑरेंज वन। ओह माय गॉड, इससे ज्यादा सुंदर और क्या ही होगा। ये सारे ट्यूलिप्स हैं, ऑरेंज ऑरेंज। पर्पल व्हाइट, वाओ मैन। बारिश चालू हो गई है अभी यहाँ पे। बाय बाय, आई डोंट वांट टू गो बट आई हैव टू। येलो विद रेड, ओ यार नेम द कलर एंड द कलर इज हियर। जी, वाओ। लेडी होप्स गार्डन, आप ना एक पाउंड डाल के, तुम ये इसका व्हील है एंड दीज आर मिनी बोट्स शिप्स, और ये पियर भी है, तुम इस ये चला सकते हो। वाओ कितनी क्यूट है।
इट्स टाइम टू गो बैक एंड हम लोग अब जा रहे हैं बस स्टेशन कैसे के एंड फ्रॉम देयर विल टेक द बस टू विंटर भैया। और एक कुत्ता मेरे साथ ही घूम रहा है भाई, मतलब ऑफ कोर्स नॉट मी, ये देखो। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, मुझे भी चाहिए ऐसा स्कूटर, बचपन में चाहिए था मुझे ऐसा स्कूटर बट मुझे मिला नहीं, तब लूंगी मैं और बड़े होकर। धूमूठ हॉल भाई, बाय। और यहाँ पे बारिश चालू हो गई है अब भाई, यहाँ से जाने का नहीं मन करता। सो प्रेटी मैन, पिंक इनवाइट, यही रह गए थे। बाय। ये फूल और पहाड़ मुझे बोल रहे हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, पर मुझे जाना पड़ेगा। सो हम लोग क्यू में आ गए हैं कैजिक के फॉर बस स्टेशन, सो दिस इज लॉन्ग क्यू। एंड यहाँ पे जो बस है वो एवरी आवर जाती है, तो यू नीड टू सी। अब हमारी जैसे सपोज 6 बजे है, सपोज क्या सच में है 6 बजे ट्रेन, तो हम लोगों को यहाँ से 3:30 बजे की बस लेकर 4:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, बिकॉज हमारा सामान जो है वो एकोमोडेशन में पड़ा है, हमारी बेटी से बेसिकली होटल में पड़ा है, तो वहाँ से भी लाइक 15 मिनट लगते हैं, तो हाफ एन आवर या हाफ आवर का बफर लेकर वी आर लीविंग लिटल अर्ली। ये बहुत सुंदर जगह है, एक दिन भी इसके लिए काफ़ी नहीं है, हमारे पास लिटरली 2 या 3 घंटे थे क्योंकि हमारा सुबह टाइम बहुत वेस्ट हो गया बसेस इधर उधर जाने में। एंड हम लोगों ने डे पास लिया 5599 का, लेकिन वो सिर्फ वैलिड 599 में ही था, 555 नहीं चल पाई उसमें, तो वी हैड टू टेक अनदर टिकट। अगर ये पहले से पता हो इंसान को तो थोड़ी जर्नी सही हो जाए। स्टेशन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर एक ही ट्रैक है, मुझे लगा था हम लोग लेट हो जाएंगे, लेकिन हम 5:30 पे यहाँ पर पहुँच गए हैं और 6:05 की हमारी ट्रेन है, तो हम आधा घंटा यहीं पे ही है, इससे बेटर होता है कि हम कुछ घूम लेते। ठीक है, लेट्स टेक सम रेस्ट। बाय करके जाने का बिल्कुल मन नहीं, यहाँ तो जाने का मन ही नहीं हो रहा है, बट वी हैव टू। स्टूडेंट बीन्स का डिस्काउंट जहाँ पे लॉग इन कर यू गेट 10% स्टूडेंट डिस्काउंट एंड वी गॉट अ लाइफ स्टाइल वाउचर जब हम लोगों ने अकोमोडेशन बुक की थी, विद दैट वी गॉट £350 का वाउचर जो कि हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते थे, कहीं पे भी नहीं, लाइक लाइफ स्टाइल वाउचर में काफ़ी सारी चीज़ें एडिड होती हैं, लाइक कॉफी वाली हो गई, लाइफ स्टाइल ब्रांड्स की हो गई, हाउसिंग की हो गई और ऐसे खाने पीने की हो गई, तो उसके अंदर से देर वॉज वन साइट hotels.com जहाँ से हम लोगों ने इस अकोमोडेशन को बुक किया था, वहाँ से बुक किया तो वी गॉट अ वाउचर ऑफ £50, तो £50 कम हो गए वहाँ से। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस रूम वॉज £68, £50 हमें वाउचर से मिल गए एंड £7 कुछ 10% जो डिस्काउंट मिला वो स्टूडेंट बीन से मिल गया, तो वी एंड अप पेइंग जस्ट £7 एंड क्योंकि दो लोग थे तो इट वेंट टू 3.5। बहुत सारी साइट्स है जिसके ऊपर स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है, यूनिडेज इज वन ऑफ देम। यूनिडेज पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था, वहाँ पे कूपन अवेलेबल थे पर जो मैं अकोमोडेशन बुक करी थी उस पर नहीं लग रहा था, तो आप लोग उस पर भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। इफ नॉट देर आर मेनी अदर कूपन, लाइक ग्रूपॉन कूपन इज देयर बट उसके ऊपर भी कुछ लगा नहीं। ऑल्सो आई यूज वन ऑफ दिस एज एक्सटेंशन जिस
ना, एंड बेसिकली यहाँ पे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता कि बस से भी तुम आराम से ट्रैवल कर सकते हो. तुम बस का पास है यहाँ पे डे का 9:50 का, एंड यू कैन जस्ट हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ, यही बोलते हैं यहाँ पे, हॉप ऑन हॉप ऑफ. जितनी भी लोकेशन हैं बीच में वो तुम देख सकते हो. एंड यहाँ पे देर आर टू बसेस, 599 एंड 555. इन दोनों का कूपन अलग अलग है. हमें लगा कि एक ही कूपन से काम बन जाएगा, बट देर इज अ सेंट्रल एरिया एंड देर इज अ आउटर एरिया. सो कैसे कम्स इन आउटर एरिया एंड विंटर मेयर, ग्रास मेयर, ये सब कुछ अंदर अंदर वाले एरिया में आता है, सेंट्रल एरिया में आता है. तो यहाँ पर एक बस चलती है, बाकियों में एक बस चलती है. तो हमारा थोड़ा सा वहाँ पे 2-3 pounds का ऐसा खर्चा हुआ, बिकॉज हमें नहीं पता था. बाकी द ट्रिप वॉज ऑसम. यहाँ पर हमारा कंप्लीट स्टे पर पर्सन विद स्टे एवरीथिंग केम आउट टू बी 84 pounds, 84-85 pounds. एंड दैट इज अमेजिंग विद एवरीथिंग. मैंने शॉपिंग भी की है, मैंने सुवेनियर्स भी लिए हैं, मैंने खाना भी खाया है, एवरीथिंग. वुड रियली रिकमेंड. यहाँ पे इस प्लेस को घूमने के लिए 2 days आर नॉट इनफ. यहाँ पे एक दिन तुम एक जगह का लेकर चलो, देर आर सो मेनी प्लेसेस. तुम एटलीस्ट 5-7 days यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, बट या वी कांट अफोर्ड दैट. बट जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास गाड़ी है उनकी तो लॉटरी है भाई. तुम घूमो, मस्त घूमो. इतना इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, ऐसा लगता है कि तुम पता नहीं कहाँ ही आ गए. गाइज, आपको ट्रेन टिकट्स का बताना रह गया था, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेल कार्ड होते हैं. तो मैंने 16-25 वाला रेल कार्ड लिया था, दैट कॉस्ट 30 pounds, एंड उसको वो आराम से आपकी अमाउंट निकल जाती है. तो हमारी जो टिकट्स थी वो पर पर्सन 18 pounds की थी फॉर वन राउंड, ओनली वन साइडेड, एंड विद रेल कार्ड वो पड़ी हमें 12 pounds की. सो 24 pounds का राउंड ट्रिप हो गया. सो रेल कार्ड प्लीज़ ले लेना अगर जब भी आओ. स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट डिस्काउंट भी होता है, बट मुझे नहीं मिला था तब ट्रेन लाइन एंड ऑल से. वही स्टूडेंट बीन्स और यूनिट एस से कर सकते हो, बट वही है, डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा. मुझे नहीं मिला था, बट या होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कर देना. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मेरा और मन करता है वीडियोस बनाने का. सो ऑलराइट, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.